अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली, ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, ठीक है, जिसके अंदर MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे और लॉन्गेस्ट आंसर थे। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दूंगी। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक दिन का गैप दे दिया जाए स्टडी से, इस हिसाब से कि हम पढ़ेंगे लेकिन हम पीछे चैप्टर ही रिवाइज करेंगे। तो मैंने रात बैठ के तमाम पास्ट पेपर्स चेक किए 2018 से लेकर 2023 तक। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, जो रिपीट हुए थे बार बार, वो मैंने उनका एक PDF बना लिया, तो जो आज हम स्टडी करेंगे। जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जब आपके पेपर नज़दीक आएंगे, मीन्स नेक्स्ट ईयर, तो तब हम उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज हु डिस्कवर न्यूट्रॉन एंड राइट इट इक्वेशन। हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास किसने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी हमारे पास वो चैडविक ने की थी, ठीक है, और 1932 के अंदर की थी, ठीक है। और उसके अलावा इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक तो इस तरह का इक्वेशन बना हुआ था, और उसके अलावा उन्होंने अलग से पूछा था कि अगर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बम्बार्ड करेंगे बेरिलियम टारगेट को तो क्या कैसा रिएक्शन होगा। तो हमें पता है कि इसका रिएक्शन कैसा होता है। इसका रिएक्शन होता है हीलियम 4-2 प्लस ब्रिलियम। या आप अपने साथ साथ बुक्स भी ओपन कर लिया करें और लिख लिया करें या मार्क कर लिया करें। हाईलाइट तो अपने पास लास्ट में रखा करें ना, क्योंकि जब आप पेपर नज़दीक आएंगे तो आप दोबारा ये वीडियोस नहीं देखोगे, ठीक है, तब आपने सिर्फ रिवीजन करनी होती है। तो आप अभी से साथ साथ चीज़ें लिख लिया करो। ब्रिलियम 9/4 गोज़ टू कार्बन 12/6 प्लस न्यूट्रॉन 1/0, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है उसका, न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन का। देन राइट ऑन द नेम ऑफ पार्टिकल्स दैट डिटरमिन्स द मास ऑफ एन एटम। ये 2 क्वेश्चन है और ये दोनों एक साथ लिखे गए थे, ये थर्ड वाला है, ठीक है। राइट ऑन द नेम ऑफ द पार्टिकल्स दैट डिटरमिन्स द मास ऑफ एन एटम। आपने उन पार्टिकल्स का नाम लिखना है जो डिटरमिन करते हैं मास ऑफ एन एटम, मीन्स एटोमिक मास। तो एटोमिक मास हमारे पास किसका सम होता है? इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन सेम ही होते हैं जो बोर्ड वाले आपसे पूछते हैं, बस उनको थोड़ा सा मोल्ड किया होता है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी व्हाट इज एटॉमिक मास या मास ऑफ एन एटम, उन्होंने पूछा कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं मास ऑफ एन एटम को। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंगल मोमेंटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। ये हमने टेस्ट योरसेल्फ के अंदर किया था, और इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला था MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तमाम चीज़ें कॉन्स्टेंट होगी, हमने MVR फाइंड करना है, तो N की वैल्यू हम यहाँ पर ऑर्बिट 1 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। देन वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहा जाता है? हमें पता है जब हम इसकी स्टडी डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो पॉजिटिव रेज होती है ना, प्रोटॉन्स बेसिकली, ठीक है, वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं होते, नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड, ठीक है, रादर देन ये कैथोड रे से टकराती हुई आयनाइजेशन की गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होते हैं? हमारे पास जो कैथोड होता है ना वो परफोरेटेड होता है, मतलब कि उसके अंदर सुराख होते हैं। जब उसमें से रेज निकलती है ना, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो इससे आपस में रिएक्शन करवाते हैं, और इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन इज कि इनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है? कैनाल रेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कैथोड जो होता है हमारे पास परफोरेटेड होता है, और वो एक ऐसे बीम को शो कर रहा है जैसे किसी कैनाल में से, कोई रास्ते में से रेज निकल रही हैं, ठीक है बच्चों, इस वजह से इनको कैनाल रेज कहा जाता है पॉजिटिव रेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्वांटम मीन। क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन्होंने दिया कहाँ से, कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है डिड यू नो, जो बॉक्स होता है उसके अंदर से दिया है क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। अब आपने इसके अंदर सिर्फ ये लिख देना क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी, आपने बताना कि क्वांटम का कॉन्सेप्ट किसने हमारे पास दिया था, और ये क्वांटम का कॉन्सेप्ट बेसिकली किस एटॉमिक मॉडल के अंदर यूज़ हो रहा है, और किस साइंटिस्ट ने वो एटॉमिक मॉडल दिया था, और उसके मुताबिक क्वांटम का मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एल एंड एम शेल। अब देखो, जब हमने शेल्स और सब शेल्स का पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूला का नाम था 2
एन स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किस तरह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, के के अंदर हमारे पास, देखो बच्चों, के अंदर हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। एल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एम के अंदर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफाइन टर्म कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुई थी पेपर में, ठीक है। कार्बन डेटिंग से मुराद हमें पता है कि हमने आइसोटोप के अंदर पढ़ा था कि जब आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस के लिए हमारे पास कार्बन यूज होती है, कार्बन का आइसोटोप यूज होता है, जो कि उसका फीचर ये होता है कि वो मैयर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास, जो कि कार्बन को रख रहा था अपने पास, कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लांट, कोई फॉसिल जिसके अंदर कार्बन मौजूद थी, वो कितने साल पुराना है, उसको कितने साल हुए हैं इस दुनिया में आए हुए या डेड हुए हुए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। हमें पता है कि क्लोरीन के पास हमारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो आपने सिर्फ ये नहीं थे देना, यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी कि आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 2-3, क्लोरीन 35, ये मैंने आपको सिर्फ आपकी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ये ऐसे है। आपने इनके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक हो गया, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। सेम एज दैट ऑफ कार्बन, कार्बन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीन आइसोटोप्स हैं हमारे पास कार्बन के, ठीक है। अब आपने इसका स्ट्रक्चर भी साथ बनाना है इन तीनों आइसोटोप्स का, ताकि पेपर जो चेकर है उसके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बच्चे को आता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी एंड हु प्रेजेंटेड इट। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी? प्लम पुडिंग थ्योरी हमारे पास बेसिकली ये थी कि जो हमारे पास एटम होता है ना, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो ऐसे इम्बेडेड होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं जैसे किसी पुडिंग के अंदर प्लम, ठीक है बच्चों। ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से वर्ड टू वर्ड याद कर लें इस पूरी थ्योरी को। और इसको प्रेजेंट किसने किया था, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको प्रेजेंट किया था जे थॉमसन ने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आई सेड दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑन द केमिकल इक्वेशन फॉर द बॉम्बार्डमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स ऑन ब्रिलियम टारगेट। ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स की प्रोडक्शन वाला ही रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन। ये बेसिकली मैंने अपने पास से दोनों एटम देखे हैं, मेरा बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आपके बुक के ऊपर टेबल है ना, वो आपने पूरा करना है। उसके अंदर कोई भी एटम एलिमेंट आपको दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है दोनों, और इसके अलावा ये मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि आपने उस टेबल को अच्छी तरह पूरा याद करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो 8 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p4, 4 और 4 ये हो गया, और 4 8, और फ्लोरीन का हमारे पास 9 होता है, तो इसकी आपने 2p5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपने डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, जिससे बेस स्टार्ट हुई थी कि एटम कैसा होता है, एटम किस चीज़ से बनता है, वो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि जो पहली थ्योरी का पॉइंट था, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ स्टार्ट के अंदर, ठीक है, आप वहां से देख लें। नंबर 2 पे उसका पॉइंट था कि जो एटम होता है हमारे पास इज हार्ड डेंस स्फीयर, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था कि एटम जो होता है हमारे पास वो हार्ड होता है, डेंस होता है और स्फीयर होता है। उसके अलावा हमारे पास था तीसरा पॉइंट, जो एटम होते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और फॉर्म्ड, ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।